स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने बच्चों अपने क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम तक स्टडी करा था, जो बॉडी सिस्टम के 8 पार्ट्स थे उसमें से 4 पार्ट्स हमने अपने लास्ट वीडियोस में कंडक्ट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स है ओके बॉडी सिस्टम के, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है। दिस सिस्टम कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है, उसे कंट्रोल करता है ओके। द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग ब्लड इन द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। जो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं सर्कुलेशन ओके। एंड द हार्ट इज कनेक्टेड टू ट्यूब्स विच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। दिस ट्यूब इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है, आप देख रहे हैं हार्ट जो है, हार्ट से जितनी भी वेसल्स क्या होती है, ट्यूब्स, एक ट्यूब होती है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर, वो क्या है, कनेक्टेड है। तो इस ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती है? ये पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करती है? ये फ्लो करने का काम करती है। द ब्लड वेसल्स आर टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन का काम करना होता है ओके। इसके जो दो मेन पार्ट्स है, कौन कौन से हैं? एक है एट्रीज। एट्रीज का काम क्या होता है? ये क्या करता है, जो एट्रीज है, ये जो भी ब्लड होता है, एट्रीज कैरी प्योर ब्लड ओके। ये प्योर ब्लड जो होता है, ये कैरी आउट करके, जो हार्ट होता है, हार्ट का काम आप देख रहे होंगे, डायग्राम है यहाँ पर, आपको हार्ट दिख रहा होगा, ये हार्ट है। हार्ट क्या करता है? वो ब्लड को फिल्टर करके, प्यूरीफाई करके, जो उसमें से प्योर ब्लड होता है, उसको एट्रीज बाकी पूरे पार्ट्स में, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती है ओके। उसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स, वेंस होता है। वेंस क्या करता है? वो पूरी बॉडी में से जो भी, कैसे ब्लड होते हैं, जो अनप्योर होते हैं ओके, उसे कैरी करके कहाँ तक, आप देख रहे होंगे, इम्प्योर ब्लड जो होता है, इम्प्योर ब्लड को वेंस के थ्रू हार्ट तक पहुँचाया जाता है, और हार्ट उसको फिर दोबारा फिल्टर करके एट्रीज के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। तो ये था बच्चों हमारा सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन करने का काम होता है ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस सिस्टम इंक्लूड नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। इसमें तीन मेन चीज़ें होती हैं, नोज है, विंड पाइप है एंड लंग्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस लेने का काम करते हैं, जो नोज के थ्रू हम सांस लेते हैं, विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स तक जाता है, और लंग्स उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। आप देख रहे होंगे रिलीज क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और टेक क्या करता है, वो अंदर लेता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से? एयर में ऑक्सीजन है, नोज के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू होते हुए वो लंग्स में जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी विद द ब्रेथ। जो हम सांस लेते हैं, आप सांस लेके देखिए, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, हमने सांस छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है सांस लेना और सांस छोड़ना ओके। अगला आता है बच्चों एक्सरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी में दिस एक्सरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें किडनी होती है, लंग्स होता है, स्किन होता है। इन सभी चीज़ों के थ्रू, किडनी के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू, जो भी चीज़ें वेस्ट होती है हमारी बॉडी में, वो इससे रिमूव हो जाती है ओके। जैसे हमने अभी देखा लंग्स, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देता है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल नहीं है, दैट इज़ वेस्ट फॉर अस ओके। तो वो क्या करता है बच्चों, देख रहे होंगे मैंने यहाँ मार्क भी कर रखा है ना, रिमूव वेस्ट मटेरियल रेगुलरली। अब आप कहेंगे सर आपने लंग्स तो बता दिया, किडनी, किडनी क्या करती है बच्चों, जो भी न्यूट्रिशंस, जो भी वाटर से या ब्लड से, जहाँ से भी न्यूट्रिशन, ये एब्जॉर्ब करके बाकी यूरिन के थ्रू, यूरिन जो होता है, यूरिन के थ्रू ये बाकी जितना वेस्ट होता है उसको ये एक्सेप्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है ओके। अगला होता है स्किन। स्किन आप देख रहे होंगे स्वेट। स्किन से क्या होता है, पसीने के थ्रू
बहुत सारा हमारा जो वेस्ट होता है वो रिमूव होता है। ओके, तो दैट इज एक्सीलेटरी सिस्टम। एंड लास्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों? द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प द प्रोड्यूसिंग बेबीज, ये बेबीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और मदर के अंदर जब बेबीज होते हैं तो उसको टेकिंग केयर का काम भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो बुक एक्सरसाइज है उसको हम कंडक्ट करेंगे। ओके, आज का जो आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है होमवर्क में? आपको होमवर्क में इसमें से 10 वर्ड मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और उसकी मीनिंग्स पहले वर्ड लिखना है, फिर उसकी मीनिंग्स आपको राइट डाउन करके लिखनी है, और उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ओके, आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।